मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे पापा दादा बोले, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हब कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे, इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हब कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे, इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है, और उत्तर में बाबा समझाते हैं कि इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिसर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है, और उत्तर में बाबा कहते, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते हो तो तुम्हारी अवस्था का पता पड़ जाता, तुम्हें रोने की मना है। मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने मन दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा, प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं कि पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो। सभी अपने को पतित तो मानते हैं, तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते ही हैं। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है, नंबर वन पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनास्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था, वहां दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, तो वह अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ हैं, हिंसा माना किसी का घात करना, मारना। तो घात भी 2 प्रकार का होता है, एक काम कटारी से मारना और दूसरा किसी को क्रोध से मारना, यह भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो नंबरवार तो होते हैं ना, परंतु हैं पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं, परम पिता, तो उनका कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं, उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं, शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं, शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं, शिवरात्रि, रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो, तो धक्के हुए ना। यह हो गई रात। सत्युग त्रेता है दिन, सत्युग में है सुख, वहां परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, तो भक्त बाप का सिमरण करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो
पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी। सत्युग में और धर्म होते नहीं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं, वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं। सत्युग में आती ही नहीं। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहां है ही प्रलब्ध। यहाँ तुम बच्चों को अभी है एक मत, वहां एक घर में है अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसी को भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था। यह है बेहद का बाप। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं, भक्ति की भी जंजीरें हैं। यह समझते थोड़ी हैं कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है कि जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये सब गाते हैं। गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उनों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है। कहते हैं ना झूठी काया झूठी माया। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं कि हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सदगति दाता आओ, तो अब वे आए हैं तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सत्युग में कैसे चल सकेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे ना, फिर ठहर नहीं सकेंगे। उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा कहां स्त्री पवित्र बनती, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बच्ची को लौकिक बाप भी ऐश्लम नहीं देते हैं। वह भी कहेंगे कि हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है विकार में जाना पड़े। परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। पांच विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुआफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना कि हम पवित्र हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित हैं। सत्युग है श्रेष्ठाचारी। सत्युग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं। रोते हो गोया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है। परंतु ये भूल जाते हो यह रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है।
सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब हैं ही पतित, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहां तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं, सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्य की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात पांच तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधी। तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे, तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, यह भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रलब्ध भोगते हैं, बाकी है गुरु ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप नहीं आते तब तक यह भी किस काम के। तो बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल, मामिकम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोहजीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोहजीत बनना है। यह है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं कि गज को ग्राह ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्राह ने पकड़ लिया, नहीं। ये यहाँ की बात है कि अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं, अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसा हप करती है कि जो बाप के संग से भी भगा ले जाती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं है। सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाग से पैदा हुआ, यह भी सत्य। हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करना है। माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही सोगुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं कि देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे कि हे भगवान, नहीं, शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है, शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। बाबा ने वरदान दिया कि अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो।
आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।